यहाँ आ जाए जी। हाँ मेरे साथ घूम ले, 12 लीटर वाली गाय कहीं से भी ले सकता, पेमेंट मैं करूंगा। अच्छा, अपने हाथ से मिल्किंग कर ले, मिल्किंग करके देख ले। हाँ जी हाँ जी, ये आप फ्री दे दोगे? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। दो गाय फ्री देंगे, 14 गाय फ्री नहीं देंगे। 14 फ्री नहीं दोगे, 2 फ्री दे दो देंगे। ठीक है, दूसरी गाय देख लेते हैं। हाँ जी आ जाओ। और कीमत जी भाई साहब? कीमत 20,000 रुपए। 20,000? हाँ जी, सिर्फ 20,000? सिर्फ 20,000, 500 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट फ्री है। अच्छा, 20,000 में ट्रांसपोर्ट भी फ्री? फ्री है जी। 20,000 रुपए कीमत की गाय और ट्रांसपोर्ट फ्री 500 किलोमीटर तक है जी। 500 किलोमीटर तक? आप मान लो अब महाराष्ट्र से कोई बोल दे फिर तो मुश्किल है ना काम। 500 किलोमीटर तक तो फ्री है। 500 किलोमीटर वाला तो 20,000 रुपए में दूध वाली गाय लेके जा सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 500 किलोमीटर तक तो फ्री दिया है। 20,000 रुपए दे के कहने का मसला यही है जी, अगर कोई महाराष्ट्र की पार्टी मेरे से गाय फाइनल करती है ना तो उसको 6,500 रुपए मैं दूंगा, बाकी भाड़ा उसका लगेगा। अच्छा, तो ये तो फिर तो और ही कम हो गया जी। नहीं होगा जी, लगभग 20,000 में 14,000 की गाय होगी। हाँ, मौके की 14,500 की आई। अगर कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज अपना लगाना चाहता तो 14,500 में गाय, ट्रांसपोर्ट खुद लिया है। हाँ जी, आप 14,500 में लोड करवा दो। 14,500 में लोड करवाएंगे, 14,500 लेके गाय दूध वाली लोड करवा दो। हाँ, लोड करवाएंगे, दूध अभी देगी 1.5 महीने बाद। हाँ, ब्याने वाली है तो दूध तो देगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दूध देगी। हाँ, ये तो कन्फर्म है, ब्याने वाली है जी, प्रेगनेंसी तो कन्फर्म है, चेक करवा लेगी खुद आके तो बच्चा देगी। हाँ, चारों अंचलों की कंप्लीट है, कोई भी परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी वाली गाय नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि सस्ती है तो कमी वाली गाय? नहीं, ये गारंटी है अपनी। अच्छा, गारंटी है। हाँ जी, विक्रम जी भाई साहब, राम राम जी। राम राम जी, जय गो माता भाई साहब। जय गो माता जी। आज स्पेशल है जी गाय। हाँ जी, कौन सी है जी? ये सफेद कपिला है जी। श्वेत कपिला? हाँ जी हाँ जी। और नस्ल? नस्ल थार पारकर में जी। थार पारकर, बाकी गायों की नस्ल भी बता दो जी एक बार। राठी आ जाएगी जी। हाँ, साहीवाल आ जाएगी। हाँ, और लगभग राठी में, साहीवाल में, और एक हरियाणवी है। एक ठंडी हरियाणवी? हाँ जी, और चोलिस्तानी है। चोलिस्तानी भी है? हाँ जी हाँ जी। एक गाय और है जी, स्वर्ण कपिला। हाँ जी, स्वर्ण कपिला भी है, इसी लोट में है। इसी लोट में है, ठीक है। श्वेत कपिला और स्वर्ण कपिला दोनों गायें आज के एक ही लोट में कवर करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कंप्लीट डिटेल जानेंगे जी आपसे। हाँ जी, सबसे पहले आपका यहाँ का एड्रेस शेयर कर दो जी। गांव रामगढ़ संग्रह जी, तहसील श्री कर्णपुर, जिला श्री गंगानगर। ठीक है जी, मोबाइल नंबर और दे दो जी भाई साहब आपके। 72298 जी। हाँ, 19146। ठीक है व्यूअर्स, ये नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ, आप इन नंबर पर संपर्क करके भाई साहब की इन सभी गायों के बारे में डिटेल ले सकते हैं। हाँ जी, कितनी गाय ब्याई हुई है जी और कितनी प्रेग्नेंट है? 6 गाय ब्याई हुई है जी, टोटल 14 गाय है जी। टोटल 14 गाय है। हाँ जी हाँ जी, तो ये 8 गाय है जो आपकी प्रेग्नेंट है। हाँ जी, बछड़ी वाली गाय भी है जिनमें? 3 बछड़ी है, 3 बछड़े है। 3 बछड़ी वाली है? हाँ जी। तो 3 लोटरियों वाली गाय है? हाँ, लोटरियों वाली। लोटरियां भी इसी वीडियो में है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, एक एक करके गाय देख लेते हैं आपकी। हाँ, सबसे पहले इसी गाय के बारे में डिटेल शेयर कर दो जी, कौन सी नस्ल बताई? थार पारकर नस्ल आई। हाँ, अभी लगभग 7.5 महीने प्लस गाबी नहीं, गाबी नहीं, प्रेग्नेंट है। हाँ जी हाँ जी, तो लगभग 1.5 महीने के आसपास और ले जाएगी। हाँ जी हाँ जी, आराम से। ठीक है, अभी वो साथ साथ आपको चलाकर घुमाकर भी दिखा रहे हैं। गाय की कदकाठी बड़ी लाजवाब है और साथ ही ठंडा शांत स्वभाव है, भी बहुत गजब के हैं। हाँ जी हाँ जी, बाकी ठंडा स्वभाव बहुत है जी। कोई भी परेशानी नहीं, कैसे अडर पर हाथ घुमाओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, ये देख लो, श्वेत कपिला है। हाँ जी हाँ जी, हम्प बड़ा है। हाँ जी, A2 क्वालिटी मिल्क देने वाली गाय है। हाँ जी, हम्प वाली गाय है और हम्प भी बड़े साइज का है। हाँ जी हाँ जी, साथ ही फेस भी काफी अट्रैक्टिव है। हाँ जी, श्वेत कपिला है, श्वेत कपिला के गुण इसमें काफी विजिबल है। हाँ जी, सफेद रंग की पूंछ, सफेद योनि द्वार। हाँ जी, सफेद सींग। हाँ जी, सींग का कलर भी इस गाय में सफेद ही है। हाँ जी हाँ, आंखों की बोहे, पलके भी सफेद है। हाँ जी, खूबसूरत है। हाँ जी, नथुने भी व्हाइट कलर के शेड में ही है। हाँ जी, इसीलिए इस गाय को श्वेत कपिला कह रहे हैं। हाँ जी, कंप्लीट डिटेल भाई साहब से ले रहे हैं, दूध क्षमता भी जान लेते हैं। फर्स्ट ब्यांत में ही इसने रखा है 14 लीटर। 14 लीटर पहले ब्यांत में? हाँ जी। 7 लीटर एक टाइम का? हाँ जी। अच्छा जी, इस बार कितने दूध की उम्मीद कर रहे हो? 14-15 लीटर डाल देगी आराम से। 14-15 लीटर की उम्मीद फिर से कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब। हाँ जी, और कीमत क्या रखोगे जी इस गाय के लिए? कीमत इसकी 72,000 रुपए। 72,000 रुपीज? हाँ जी हाँ जी। प्राइस फिक्स है जी? नहीं, 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्री है साथ में। अच्छा, इस गाय के साथ 500 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट फ्री है? हाँ जी हाँ जी। तो इसी एक गाय में रखोगे या कुछ बढ़ाओगे? नहीं, पूरी गाय में ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्री होगा, 500 किलोमीटर तक है जितनी भी गाय है। हाँ जी, चाहे ये सारी ले या कोई एक ले तो? कोई भी ले जी, इनमें से कोई भी एक गाय ले, तक ले। एक गाय ले तो भी? हाँ जी हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि सारी गाय ले तब? नहीं नहीं जी,
एक गाय भी खरीदे तो भी ट्रांसपोर्ट का चार्ज फ्री रहेगा? 500 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक का ट्रांसपोर्ट फ्री रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, आपकी दूसरी गाय भी देख लेते हैं जी। हाँ जी, इस गाय की भी नस्ल बता दो जी। ये चोलिस्तानी है। चोलिस्तानी, गदरी राठी। गदरी राठी, हाँ जी। कंप्लीट डिटेल दे दो जी इसके बारे में भी। अभी ब्याने में एक दो दिन बाकी है। एक दो दिन बाकी है, प्रेग्नेंट है। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा ब्यां था। हाँ, मीनी है, दोनों सींग हिलते हैं इसके। अच्छा, दोनों सींग भी हिलते हैं, मीनी गाय है। हाँ जी, ठीक है जी। और दूध कितना निकाल देगी जी? फर्स्ट ब्यांत में इसने 14 लीटर रखा है जी। अब भी 14-15 डाल देगी राम से। अभी भी 14-15 निकाल देगी। हाँ जी, दूसरे ब्यांत में भी 14 लीटर के आसपास ही उम्मीद कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कीमत इसके लिए क्या रखोगे जी? कीमत इसकी 55,000 रुपए जी। 55,000? हाँ जी, 55,000 रुपीज। हाँ जी, हाँ जी। ट्रांसपोर्ट फ्री वाला बताने की जरूरत नहीं है, सभी में फ्री है। हाँ, ये 500 किलोमीटर सभी गाय में। मतलब जो ये कीमत बताई है इसमें भाड़ा नहीं पूछे? हाँ, भाड़ा नहीं पूछे, भाड़ा इंक्लूड है। 500 किलोमीटर तक? 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से ज्यादा वाले पूछ ले। हाँ, पूछ ले ज्यादा। तो उनको ये 500 किलोमीटर काट के दोगे? हाँ जी, काट के देंगे। ठीक है जी, हाँ जी। इस गाय की और डिटेल दे दो जी, नस्ल बताओ सबसे पहले तो। साहिवाल नस्ल में आई। साहिवाल ब्रीड, ब्यांत जी? ब्यांत, फर्स्ट ब्यांत आई, पहला ब्यांत। हाँ जी, साहिवाल नस्ल की बछड़ी पहले ब्यांत के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। कम आती है जी ऐसी ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स वाली? हाँ जी, हाँ जी। ये ब्याने में कितने दिन ले जाएगी? ब्याई हुई है ये, पीछे बछड़ा है इसके। अच्छा, ब्याई भी है? हाँ, दो ही दिन की। मेल काफ है? हाँ जी, हाँ जी। बछड़ा है? हाँ जी। दो दिन की ब्याई भी है तो खीस कितना निकाला है जिसका? लगभग 9 लीटर तैयार है जी। 9 लीटर खीस निकाल लिया है? हाँ जी। और ये कितनी क्षमता रखने वाली है? 12+ डालेगी। 12+ वाली, आराम से। इसकी भी कीमत शेयर कर दो जी। कीमत इसकी 47,000 रुपए आई। 47,000 रुपीज। हाँ जी, हाँ जी। ट्रांसपोर्ट फ्री, 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर फ्री है। ठीक है जी। इस गाय के बारे में डिटेल दो जी, ये कौन सी नस्ल? ये राठी है। राठी ब्रीड, सींग वाली गाय है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कंप्लीट इसकी भी डिटेल शेयर कर दो जी। ये 2-3 दिन की ये भी ब्याई है। अच्छा, मौके का खीस लगभग इसका 10+ लीटर तैयार है। 10 लीटर से ज्यादा खीस रेडी है? हाँ जी। और काफ क्या है जिसके साथ? इसके साथ बछड़ा है। बछड़ा है, मेल काफ है। हाँ जी। तो बछड़ियों वाली गाय तो अभी बाकी है? हाँ जी, हाँ जी, एक आ गई। हाँ, बाकी है अभी। बाकी है, तीनों ही बाकी है। तीनों ही बाकी है, तीनों ही बाकी है। दो गायें दिखाइए भाई साहब ने, ब्याई भी, दोनों के साथ बछड़े आए हैं। हाँ जी। कीमत क्या रखोगी जी? कीमत 37,000 रुपए आई। 37,000 रुपीज। हाँ जी, हाँ जी। इसमें भी किराया है? 500 किलोमीटर तक फ्री। अच्छा, तो ये लगभग 500 किलोमीटर का भाड़ा कितना पड़ जाता है एक बार ये बता दो जी? लगभग 6,500-7,000 रुपए। 6,500-7,000 रुपए। हाँ जी। 6,500-7,000 में ये कोई डिफरेंस कैसे है जी? ये कोई मान लो एक जगह की है। हाँ, तो 6,500 रहेगा ये। अच्छा, मान लो पार्टी एक की, एक का गाय दूसरी पार्टी की हो जाती है तो ज्वाइंट में आगे पीछे सफर हो जाता है। अच्छा, उसमें बड़ी घट जाता है। 13 रुपए ऐसे लगभग एवरेज ये मान ले 6,500 के आसपास। हाँ, 6,500 के। तो ये आपने 13 रुपए पर किलोमीटर जाती है गाड़ी, अपडाउन का भाड़ा लेती है। ये जैसे आपने 37,000 रुपए की बताई है। हाँ जी। तो इसमें 7,000 रुपया ऊपर वाला है। हाँ जी। इसमें 6,500-7,500 रुपया मार्जिन घट बढ़ जाएगा। हाँ जी, थोड़ा बहुत मान सम्मान होगा, 500 नहीं होगा। अच्छा, मान सम्मान हो जाएगा, 500 रुपए का नहीं होगा, नहीं लेकिन मान सम्मान हो जाएगा। ज्वाइंट एक साथ का मिलेगा ही नहीं। अच्छा, 7,000 एक जगह का फिक्स मिलता नहीं है? नहीं मिलता, 7,000 ही भाड़ा लगना इसका। 7,000 रुपए की किराया लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, दूसरी गाय भी देख लेते हैं आपकी। इस गाय के बारे में डिटेल दे दो, नस्ल बताओ जी। नस्ल राठी में आई। ये भी राठी है? हाँ जी। अडर प्यारा है जी इस गाय का, बिल्कुल ही ताजा ही ब्याई है, रात को ही बछड़ी को जन्म दिया। फर्स्ट पुष्ट है ये गाय। हाँ जी। इन सभी गायों में श्वेत कपिला तो शानदार है ही। हाँ जी। ये दूसरी गाय है जी जो सबसे बढ़िया लगी मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट पुष्ट है, परवरिश में अच्छी है। हाँ जी। दूध में कैसी है जान लेते हैं। दूध में ये दूध डालेगी 15 लीटर। ये 15 लीटर? हाँ जी, खुला डाल देगी। अच्छा, ब्याई भी है या ब्याने वाली? ब्याई हुई है ये, पीछे बछड़ी है। इसमें लॉटरी है? हाँ, लॉटरी है। इसमें लॉटरी है तो मेरी को पसंद आई इसलिए लॉटरी है। नहीं, है ही लोटरी, बछड़ी वाली ओरिजिनल में बछड़ी वाली गाय है। हाँ, लोटरी वाली गाय है। हाँ जी, हाँ जी। लोटरी शानदार है। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। और दूध पीक में कितना बना लेगी हाईएस्ट? 15 लीटर आराम से चलेगी। 15 लीटर तक चली जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। और कीमत जी भाई साहब? कीमत इसकी 52,000 रुपए। 52,000 रुपीज। हाँ जी, 52,000 रुपए प्राइस है। हाँ जी। गाय खूबसूरत है, कीमत भी भाई साहब की शानदार है। शानदार इस वजह से भी है क्योंकि भाई साहब ने ट्रांसपोर्ट इस बार 500 किलोमीटर का फ्री कर दिया। हाँ जी, फ्री कर दिया। बाकी दूध वाली गाय है जी अपनी सभी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दूध में कमजोर है गाय इसलिए कर दिया। हाँ हाँ हाँ, गाय दूध वाली है। हाँ, दूध चेक कर सकते हैं। हाँ, चेक कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे दिखा दोगे। दूध वाली भी है और ठंडे शांत स्वभाव की सभी गाय। ठीक है जी, इस गाय के बारे में और डिटेल दो जी। ये साहिवाल क्वालिटी में ही। साहिवाल? हाँ जी। ये प्रेग्नेंट या ब्याई हुई? ये ब्याई हुई है। ये ब्याई हुई है? हाँ जी। तो ये दोनों गाय, तीनों गाय ये ब्याई हुई है। चार गाय आ गई है, चौथी गाय ये ब्याई हुई। हाँ जी, हाँ जी। दो के साथ बछड़े थे, एक के साथ बछड़ी। इसके साथ भी लॉटरी है जी, साहिवाल क्वालिटी की बछड़ी है, बहुत टॉप की। इसके साथ साहिवाल की बछड़ी है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की बछड़ी। गाय टॉप क्वालिटी
पार्टी की है। हाँ जी, और बछड़ी भी बता रहे हो जी साहिवाल की है। हाँ जी, बाकी ठंडा शांत स्वभाव भाई, कोई परेशानी नहीं। स्वभाव भी परख सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, स्वभाव भाई साहब भी परख कर दिखा रहे हैं। हाँ जी, और आप खुद आके भी परख सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। दूध कितना निकाल देगी जी? दूध डालेगी ये 15 लीटर। 15 लीटर। हाँ जी। और कीमत जी भाई साहब? कीमत इसकी 60,000 रुपये। 60,000? हाँ जी। 60,000? हाँ जी हाँ जी। फ्री ट्रांसपोर्ट 500 किलोमीटर के साथ? 500 किलोमीटर फ्री है ये। ठीक है जी। अगली गाय बता दो जी, ये जो बड़ी गाय है। हाँ जी। इस गाय की भी डिटेल शेयर कर दो जी। दूसरा ही ब्यांत है। बड़ा हम्प भी है इसमें और बड़ा आर्डर भी है। बड़ा आर्डर भी है। ठीक है जी। दूसरा ब्यांत है? दूसरा ब्यांत है। ये भी ब्याई हुई है जी? ब्याई हुई है। अच्छा, काफ जी इसके साथ? बछड़ा है इसके साथ। बछड़ा है? हाँ जी हाँ जी। मेल काफ है? हाँ जी। गाय अच्छे कदकाठी की है और कदकाठी के साथ साथ रोबिला शरीर है, लेकिन स्वभाव बिल्कुल ही ठंडा है, शांत स्वभाव की गाय है। हाँ जी। दूध इसका कितना रेडी है जी? दूध अभी मौके का तैयार है। 14 लीटर। 14 लीटर? हाँ जी। 7 लीटर एक टाइम का मौके का तैयार है। हाँ जी। 4 दिन की ब्याई है। 4 दिन की ब्याई हुई है। हाँ, ये जितना दूध तैयार बता रहे हो इतने की मिल्किंग यहाँ के देख सकते हैं। हाँ, राम से राम से। ठीक है जी भाई साहब। हाँ जी। और कीमत इसके लिए क्या रखोगे जी? 55,000 रुपए। 55,000? हाँ जी। 55,000 रुपीज? हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। साहिवाल स्वर्ण कपिला आ गई है जी? हाँ जी हाँ जी, साहिवाल स्वर्ण कपिला, श्वेत कपिला के साथ। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। ब्याई हुई है ये? ये ब्याई हुई है। हाँ जी। ये कितने दिन की ब्याई होगी? ये लगभग 3-4 दिन की ब्याई है। तीन दिन की? मानो आज ही खाली की है, सुबह खीस से खाली कर दी है। खीस से खाली हो चुकी है? हाँ जी हाँ जी। तो कितना अभी रेडी दूध है? 4.5 लीटर खीस निकाला है। 4.5 लीटर एक टाइम का? बाकी कल ही आई थी अपने पास, इसने खाया पिया भी नहीं। हाँ, तो 9 लीटर माने कि दोनों टाइम का मिला के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इतना दूध निकाल देगी आराम से जी, आराम से। अच्छा। हाँ जी। कीमत इसके लिए क्या रखोगे जी भाई साहब? कीमत इसके लिए 42,000 रुपए। 42,000? 42,000 रुपीज? हाँ जी हाँ जी। 42,000 रुपए प्राइस रखोगे? हाँ जी। और जो जो ये कीमतें बताई है जी आपने, हाँ जी, इनमें कोई गुंजाइश है? गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अगर ये सारी गाय आपकी ले, कुछ गाय और भी बंधी हुई है? हाँ जी। 6 गाय और भी है? 14 गाय हैं जी। हाँ। अगर 14 की 14 कोई आदमी खरीदना चाहता है एक साथ में, हाँ, तो 12 लीटर वाली 2 गाय फ्री है। अच्छा, अगर 14 गाय लेगा तो उसको 16 गाय दूंगा। अच्छा, 14 लेगा तो 16 दोगे? हाँ, 16 देंगे जी। 14 खरीदने वाले को 16 दोगे? 16 गाय देंगे और 12 लीटर दूध निकाल के दोनों गाय का। अच्छा, एक दिन में 2 गाय का 24 लीटर दूध निकाल के दूंगा। अच्छा। हाँ जी। तो ये 24 लीटर दूध तो फ्री है? हाँ जी, 2 गाय फ्री है जी। 2 गाय 14 ही अपने पास। हाँ। अगर 14 गाय ये फाइनल जिस भाव में मैंने कर दी, इसी भाव में दूंगा और 2 गाय साथ में फ्री ला के दूंगा। 12 लीटर वाली? 12 लीटर वाली, मतलब 14 को 16 बढ़ा के दे दोगे? हाँ, दो बढ़ा के देंगे। दो बढ़ा के दोगे? हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब। ये पक्का बोल रहा है, देंगे जी। अगर कोई पार्टी एक साथ में 14 गाय अपने खरीदेगी तो? अच्छा, तो उसको 16 गाय देंगे? 16 गाय दोगे? हाँ जी। और 12 लीटर दूध वाली दोगे जो दो और होंगी वो भी यहाँ आ जाए जी? हाँ, मेरे साथ घूम ले। 12 लीटर वाली गाय कहीं से भी ले सकता, पेमेंट मैं करूंगा। अच्छा, अपने हाथ से मिल्किंग कर ले। मिल्किंग करके देख ले? हाँ जी हाँ जी। ये आप फ्री दे दोगे? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, 2 गाय फ्री देंगे, 14 गाय फ्री नहीं देंगे। 14 फ्री नहीं दोगे, 2 फ्री दे दोगे? हाँ, 2 देंगे। ठीक है, दूसरी गाय देख लेते हैं। हाँ जी, आ जाओ। इस गाय की भी डिटेल दे दो जी। गदरी राठी है ये। हाँ, दूसरे ब्यांत में ब्याएगी। प्रेग्नेंट है? हाँ, प्रेग्नेंट है। लेगी 8 महीने की प्रेग्नेंट है? 8 महीने की प्रेग्नेंट है। 1 महीने के आसपास ब्याने में लग जाएगा? हाँ जी हाँ जी, आराम से 1 महीने के आसपास ब्याने में ले लेगी। हाँ जी। कितने दूध वाली जी है? दूध डालेगी 12 लीटर ही। 12 लीटर? हाँ जी। और कीमत जी भाई साहब? कीमत 20,000 रुपए। 20,000? हाँ जी। सिर्फ 20,000? सिर्फ 20,000। 500 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट फ्री है। अच्छा, 20,000 में ट्रांसपोर्ट भी फ्री? फ्री है। 20,000 रुपए कीमत की गाय और ट्रांसपोर्ट फ्री 500 किलोमीटर तक है जी? 500 किलोमीटर तक? आप मान लो अब महाराष्ट्र से कोई बोल दे फिर तो मुश्किल है ना काम। 500 किलोमीटर तक तो फ्री है? 500 किलोमीटर वाला तो 20,000 रुपए में दूध वाली गाय लेके जा सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 500 किलोमीटर तक तो फ्री दिया है। हाँ, फ्री तो 20,000 रुपए दे के। कहने का मसला यही है जी, अगर कोई महाराष्ट्र की पार्टी मेरे से गाय फाइनल करती है ना, तो उसको 6,500 रुपए मैं दूंगा, बाकी भाड़ा उसका लगेगा। अच्छा, तो ये तो फिर तो और ही कम हो गया जी। नहीं होगा जी, लगभग 20,000 में 14,000 की गाय होगी। हाँ, मौके की 14.5 की है। अगर कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज अपना लगाना चाहता तो 14.5 में गाय, ट्रांसपोर्ट खुद लिया है। हाँ जी, आप 14.5 में लोड करवा दो? 14.5 में लोड करवाएंगे। 14.5 हजार लेके गाय दूध वाली लोड करवा दो? हाँ, लोड करवाएंगे। दूध अभी देगी 1.5 महीने बाद? हाँ, ब्याने वाली है तो दूध तो देगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दूध देगी। हाँ, ये तो कन्फर्म है, ब्याने वाली जी। प्रेगनेंसी तो कंफर्म है, चेक करवा ले खुद। हाँ, आके तो बच्चा देगी? देगी। हाँ, चारों अंचलों की कंप्लीट है, कोई भी परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी वाली गाय नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि सस्ती है तो कमी वाली नहीं, नहीं, ये गारंटी है अपनी। अच्छा, गारंटी है। हाँ जी। अगली गाय की डिटेल दो जी, ये कौन सी नस्ल में है? ये राठी में
गदरी राठी में आ जाएगी। गदरी राठी चोलिस्तनी में भी आ जाती है, चाहे गदरी राठी बोलो चाहे चोलिस्तनी बोल लो, अच्छा दोनों में आएगी। ये कितने दूध वाली है? ये डालेगी 14 लीटर प्लस दूध। प्रेग्नेंट है? हाँ जी। चेक करवाई भी है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अगली पार्टी भी करवा सकती है अपने को। कौन सा ब्याह था जी भाई साहब? दूसरा ब्याह था। दूसरा ब्याह है? हाँ जी। सेकंड लैक्टेशन की है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ये कितने दिन लेगी ब्याने में? ये लगभग 1.25 महीने के आसपास है। 1.25 महीने के आसपास ले जाएगी? हाँ जी। ठीक है जी, 14 लीटर दूध वाली गाय है और 1.25 महीना ले जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कीमत इसके लिए क्या रखी है जी? कीमत इसके लिए 45,000 रुपए। 45,000? हाँ जी। 45,000 रुपीज। हाँ जी। बाकी ठंडी शांत स्वभाव की है। हाँ, इस गाय की और डिटेल दो जी भाई साहब। राठी में आई, राठी ब्रिड है। हाँ, बिना सींग वाली है? बिना सींग वाली है, ठंडे शांत स्वभाव की है। ये भी प्रेग्नेंट है जी? हाँ प्रेग्नेंट है। ये कितना टाइम लेगी? 1.5 महीना। 1.5 महीना? हाँ जी। 1.5 महीना माने 45 दिन? 50 दिन आराम से ले जाएगी, इतना टाइम ले जाएगी। हाँ जी हाँ जी। ये कितने दूध वाली है? ये दूध डालेगी 15 लीटर प्लस। 15 लीटर? हाँ प्लस डालेगी। अच्छा, 15 लीटर से भी ज्यादा निकालेगी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 15 लीटर से ज्यादा दूध वाली गाय है? हाँ जी। तो अभी इस गाय के अलावा भी 3 गाय और है आपकी, वो भी देखेंगे। हाँ जी हाँ जी। कीमत इसकी बता दो जी? 47,000 रुपए। 47,000 रुपीज। हाँ जी हाँ जी। ट्रांसपोर्ट फ्री वाली फ्री है, इसमें भी है? हाँ जी फ्री है, इसमें भी वो ऑफर है। हाँ जी। ठीक है, दूसरी गाय देख लेते हैं आपकी। इस गाय की और डिटेल दो जी भाई साहब। ये गदरी राठी में आ जाएगी। गदरी राठी, राठी पहले वाली थी और राठी ये वाली है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये भी बिना सींग वाली? बिना सींग वाली, ठंडा शांत स्वभाव। प्रेग्नेंट? हाँ जी। अच्छा, ये कितना टाइम लेगी जी? 1 महीने से 1.25 महीने। 1 महीना और ले जाएगी ब्याने में? हाँ जी। तो ये लगभग 1.25 महीने 1.5 महीने वाली पहले वाली है? हाँ जी। तो दोनों का लगभग लगभग नजदीक का टाइम है? नजदीक का टाइम है, एक ही परिवार से आई है जी। अच्छा, एक ही परिवार से आई है? हाँ जी, अपने पास इनकी डिटेल है, वीडियो पड़ी है सारी। अच्छा, कंप्लीट डिटेल है। अगर कोई डिमांड करेगा तो दे दोगे? हाँ दे दूंगा। कि आप कहाँ से खरीद के लाए हो? हाँ, सारा सारा डिटेल, ये सब डिटेल भी दे दोगे? हाँ जी हाँ जी। क्योंकि किसान चाहते हैं कि किसान के घर की गाय हो। हाँ जी। और पता चल जाए किस घर से आई हुई है। लगभग जी मेरी तो सारी किसान के घर से होती है, मैं मंडी से कभी खरीदी नहीं गई आज तक। डायरेक्ट किसान से ही खरीदते हो? हाँ जी हाँ जी। डायरेक्ट किसान के घर से ही लेके आते? हाँ जी हाँ जी। ये तो आपको खुला ही पता है। हाँ, मैंने मंडी तो की नहीं। देखो जी, मेरे को पता है। हाँ, जो सामने जो व्यूअर बैठा है उसको नहीं पता। नहीं पता मेरा, तो मेरा बताना फर्ज है। हाँ, आपसे पूछूं जरूर से। हाँ जी। उनके मन की जो शंका है मैं पूछूं। हाँ जी हाँ जी, ताकि उनकी शंका दूर हो जाए। हाँ जी। जो बैठे सामने अभी आपको और मेरे को देख सुन रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। उनकी शंका दूर हो जाए, हम आपस में एक दूसरे को जरूर से अच्छे से जानते हैं। सही बात है। वो हमको नहीं जानते। नहीं जानते कि ये कहाँ से गाय लेके आते हैं। सही बात है। तो इस गाय की पूरी डिटेल दो जी। दूध कितना निकाल देगी ये गाय? दूध ये भी 15 लीटर प्लस ही रखेगी। दोनों ये 15-15 लीटर वाली है, प्रेग्नेंट गाय है। हाँ जी। जो प्रेग्नेंट लेना चाहते हैं, जो दूर लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए दोनों बढ़िया रहेगी। बढ़िया बढ़िया। ये थनवन चेक करवा के दो? फुल गारंटी के साथ यहाँ भी चेक करवा के देंगे। अगर आ जाए कस्टमर तो अपने हाथ से चेक कर ले, नहीं जैसे जाएगी गाड़ी से उतरते समय चेक कर ले। चेक कर ले? हाँ जी। फिर उतार ले? फिर उतार ले। ठीक है जी। कीमत क्या रखोगी जी? कीमत इसकी 47,000 रुपए। ये भी 47,000? हाँ जी हाँ। ट्रांसपोर्ट फ्री के साथ? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर? हाँ जी। ठीक है जी, अगली गाय देखते हैं आपकी। इस गाय की डिटेल दो जी। नस्ल? नस्ल ये हरियाणवी। हरियाणवी? हाँ जी। बड़े हंप वाली? बड़े हंप वाली, छोटे सींग वाली? हाँ छोटे सींग वाली। और प्रेग्नेंट है जी? हाँ जी। कितने टाइम की? 1 महीना बाकी है। 1 महीना बाकी है? हाँ जी। थन खूबसूरत आए हैं? हाँ जी हाँ जी। आपको व्यूअर्स दिखाई भी दे रहे होंगे। हाँ, थन भी काफी खूबसूरत है। हाँ जी। गाय की खूबसूरती भी लाजवाब, A2 क्वालिटी मिल्क देने वाली गाय है। हाँ जी हाँ जी। कंप्लीट डिटेल दो जी। दूसरा ब्यांत है जी? दूसरा ब्यांत। 1 महीना ब्याने में बाकी है। हाँ। फर्स्ट ब्यांत में 5 लीटर दूध रखा है एक टाइम का। अच्छा, एक टाइम का 5 लीटर? हाँ, 10 लीटर दोनों टाइम का? दोनों टाइम का ही। ठीक है, इस बार कितना रख लेगी? अब इस बार 11-12 डालेगी। 11-12 इतने ही होता है इनके नीचे। हाँ, 10-11-12 लीटर तक की दूध वाली गाय रहती है। हाँ जी हाँ जी। कीमत क्या रखोगे जी? कीमत 37,000 रुपए। 37,000 रुपीज। हाँ जी हाँ जी। फ्री फैसिलिटी तो है ही ट्रांसपोर्ट? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर? 500 किलोमीटर। ठीक है, ये अगली गाय हो रहा है, ये भी देख लेते हैं। इस गाय की और डिटेल दो जी भाई साहब। साहिवाल क्वालिटी है। साहिवाल ब्रीड है? हाँ जी हाँ जी। ये कितने टाइम की प्रेग्नेंट है? ये लगभग ले लेगी 10-12 दिन। 10-12 दिन अभी और ले जाएगी? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ये कितने दूध वाली जी भाई साहब? दूध डालेगी 14 लीटर। 14 लीटर? हाँ जी। टाइम कितना बताया जी? 10-12 दिन। 10-12 दिन? हाँ जी। 2 हफ्ते के अंदर भी आ जाएगी आराम से। तो ट्रांसपोर्ट कितने दिन में करवा देते हो जी आप? ट्रांसपोर्ट तो ऐसे है जैसे ज्वाइंट के हिसाब से है। हाँ। मान के चलो 2-3-4 दिन में हो जाता है। अच्छा, 2-3-4 दिन में हो जाता हाँ है जी, हाँ जी, हाँ जी। 2-3-4 दिन लग जाते हैं। हाँ, इतना तो लगता है। या मान लो एक गाय कोई मान लो फाइनल करता है। हाँ, क्योंकि मेरे पास एक दो फोन आए थे जी, बोले हमने कल पेमेंट डाली थी। हाँ जी। उन्होंने बोला था आज गाय भेज देंगे। नहीं, वो बोलने वाला भी गलत है और खरीदने वाला भी गलत है। दोनों ही गलत है? दोनों ही गलत है। एक गाय मान लो 13 रुपए के हिसाब से भी अगर 500 किलोमीटर जाती है
तो 1000 किलोमीटर अप डाउन हो गया, 13000 हो गया, ना तो खरीदने वाला 13000 देने वाला है और ना बेचने वाला, तो गाड़ी वाला अपनी जेब से नहीं डालेगा। ये मेरे पास फोन आया, मैंने उनको यही कहा था जी देखो 4-5 दिन तो लगते हैं, आराम से लग जाते हैं। बेचने वाले ने जरूर एक दिन बोल दिया होगा, बोल देते गाय है, हाँ जी, लिफाफा नहीं है, नहीं कि डिब्बे में डाल दें, डाकिये को दे दें और चली जाएगी, वो भी 2-3 दिन ले लेगा, वो भी टाइम लेगी, वो भी टाइम ले लेता है। पर ये तो गाय है जी, देखो तरीके से भेजनी पड़ेगी, तरीके से भेजनी पड़ती है, बढ़िया गाड़ी वाले के साथ भेजनी पड़ती है, परवरिश वाला आदमी है तो उसी के साथ भेजेंगे। हाँ, सर्दी गर्मी बारिश मौसम सब देखो जी, हर आदमी गाड़ी वाला भी नहीं ना ले जा सकता, मान लो स्पीड के हिसाब से तो गाड़ी नहीं जाएगी, नॉर्मल स्पीड से जाएगी तो सफर में समय लगेगा। जो गाय मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हीं के साथ, स्पेशल गाड़ी वाले होते हैं, स्पेशल गाड़ी वाले होते हैं, उन्हीं के साथ भिजवाते हैं। हाँ जी, हर खाने पीने की व्यवस्था करके भेजते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, रस्ते के लिए, हाँ जी, ठहरने की व्यवस्था हर जगह के लिए हो जाती है। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। ये दूध कितना निकाल देगी? दूध आराम से 14 लीटर से प्लस रहेगी, 14 लीटर से ज्यादा। हाँ जी, ठीक है जी। और दिन बताएं जी, आपने लगभग 10-12 दिन? हाँ, 10-12 दिन आप ऑर्डर देख ही सकते हो ना। हाँ, ऑर्डर तो खुलना शुरू हो गया, इतना तो ले लेगी, ठीक है, इतना टाइम तो ले ही जाएगी। हाँ जी, कीमत इसके लिए क्या रखी है जी? कीमत 42000 रुपए, 42,000 रुपीज। हाँ जी, शानदार शानदार गाय दिखाई जी आपने। हाँ जी, उम्मीद करूंगा कि सभी की सभी गाय आपकी व्यूअर्स को भी पसंद आई होगी। हाँ जी, व्यूअर्स पसंद आई हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। हाँ जी, अपने दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि देसी गोवंश को बढ़ावा देने की हमारी मुहिम को बल मिले। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है इसके लिए धन्यवाद, और साथ ही एक धन्यवाद विक्रम भाई साहब का भी। हाँ जी, अच्छी गाय लेके आए हो जी अब की बार, आपका भी धन्यवाद, आपने कवर की सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। राम राम जी। राम राम, जय गो माता भाई साहब। जय गो माता।